मथुरा के सुरीर थाना इलाके के सुरीर भरू में चोरों ने मकान के बाहर खड़ी इको कार को निशाना बना लिया। पीड़ित पप्पी खान ने जानकारी देते हुए बताया कि वे सिकंदराबाद से आकर हर दिन की तरह कार को अपने मकान के बाहर खड़ी कर गए थे, जहां रात के समय चोरों ने कार पर हाथ साफ कर दिए। सुबह आकर देखा तो गाड़ी नहीं मिलने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद उन लोगों ने डायल 112 पर कॉल करके इसकी सूचना दी। इसके बाद ही सुरीर थाने में तहरीर दी गई। मैं रात को यहाँ पे 11 बजे अपनी गाड़ी को, इको गाड़ी थी, उसे खड़ी करके गया हूँ मैं यहाँ पे। तो सुबह मुझे गंगा जी जाना था, तो सुबह 4 बजे करीब चल के आया हूँ, तो मुझे गाड़ी नहीं मिली है यहाँ पे। तो आप कहाँ से आए थे जब गाड़ी खड़ी करी थी आपने? मैं सिकंदराबाद से आया रात को। फिर तो 11 बजे के बाद मैं अपने घर चले गया हूँ गाड़ी, रोजाना की तरह खड़ी करके। यहाँ पे दो गाड़ी खड़ी थी, तो दो में से एक गाड़ी ले गया। और रात को एक हमारे पड़ोसी हैं, वो बट्टे पे जाते हैं भुक्की लेके, तो उन्होंने बताया कि रात को मैं 1:30 बजे गया था, तो यहाँ पे एक ही गाड़ी खड़ी थी, एक गाड़ी नहीं थी। अब पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे आई? हाँ, सुबह 100 नंबर पे फोन किया था मैंने, तो 100 नंबर वाले आए थे। बता दें कि सर्दियां शुरू होते ही चोर भी सक्रिय होने लगे हैं और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में चोरों ने मकान के बाहर खड़ी कार को अपना निशाना बना लिया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।